तो ये हमारी गाजर आलू और मटर की सब्जी बनके तैयार है। इस रेसिपी के लिए हमने 4 गाजर लिया है और वेट में लगभग ये 200 ग्राम के आसपास है। और गाजर के पीछे वाले हिस्से को हम इस प्रकार से काट के इसे निकाल देंगे और इसे हम लंबे लंबे भागों में इसे काट लेंगे। ऐसे आपको जैसा शेप इसका पसंद हो उस हिसाब से आप काटें। हमने इसे इस प्रकार से थोड़ी सी लंबे शेप में काट के इसे सब्जी को बनाया, देखिए। और एक हमने बड़े साइज़ का आलू लिया है, उसे भी हमने लगभग इसी प्रकार के शेप में रखा है। तो ये देखिए, हमने मटर, ये लगभग मटर हमारा 150 ग्राम के आसपास है, एक बड़ी आलू और 200 ग्राम के आसपास गाजर 4 पीस। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल हम लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच डालेंगे और एक सूखी मिर्च डालेंगे और ये खड़ा जीरा। उसके बाद हम गाजर डालेंगे। गाजर डालते समय हमारा वीडियो कट हो चुका था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो उसके बाद हम फिर आलू डालेंगे इसमें। तो ये देखिए, हमारा गाजर और आलू एक साथ अच्छे से भुनाएगा, ये अच्छे से इसी में पकेगा। अब हम इसे कवर करके इसे पकाएंगे और इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आप भी इसे बार बार कवर करके, 3 से 4 बार आप कवर करके इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो सके। इसमें थोड़ी सी तेल आपको ज़्यादा देनी है ताकि ये अच्छे से, ये गाजर और आलू बिल्कुल तेल में ही पके, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, हमारा ये लगभग हमारा सॉफ्ट हो गया है गाजर। ये देखिए, गाजर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, थोड़ी सी और पकना है। तो हम इसमें अब यहाँ पे हरे मटर को हम डालेंगे, क्योंकि शुरू में हम मटर डालेंगे तो मटर हमारा बिल्कुल गल जाएगा। तो ये लगभग 60 से 70% हमारा पक जाएगा गाजर और आलू, तब तो हम इसे मटर ऐड करेंगे। और मटर ऐड करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, मसाले हमने धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर जो होती है हमारी तीखी वाले, उसको हम ज़्यादा ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि गाजर हमारा मीठा होता है। तो उसे ये तीखा करेगा। तो तीखा ऐसे आप अपने हिसाब से डालेंगे, लेकिन यहाँ पे तीखा थोड़ा ज़्यादा डालें लाल मिर्च पाउडर, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मसाला डालने के बाद हमने एक बार थोड़ी देर के लिए हमने कवर किया था ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से इसमें सेपरेट हो सके। तो ये देखिए, हमारा ये लगभग हमारा सब्जी बनके तैयार है। अब यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेते हैं। नमक हमने शुरू में ऐड नहीं किया था, क्योंकि नमक शुरू में ऐड करने से हमारा गाजर से पानी निकलने लगता है, इसमें पानी छोड़ देता, तो हमने लास्ट में ऐड किया है। तो अब यहाँ पे हम हरी धनिया ऐड करके इसे एक बार चला देंगे। तो अब हरी धनिया यहाँ पे डालते तो इसमें अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। तो ये फाइनली हमारा गाजर आलू और मटर की सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये हमारी गाजर आलू और मटर की सब्जी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें और अपने आए हुए मेहमानों को खिलाएं, क्योंकि ये जो सब्जी है बहुत ही यूनिक और बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, हमारे शरीर के लिए भी, सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।